हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं पास्कल लॉ के बारे में। तो देखिए, इसकी छोटी डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि होता क्या है। तो हमारे पास आता है कि पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड ऑन वन पॉइंट ऑफ लिक्विड ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए बच्चे, बात इंग्लिश में होगी, अब आ जाइए सही से समझना क्या होता है। आपके पास कोई कंटेनर है, आपके पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास लिक्विड है। आपने उस लिक्विड को प्रेशर दिया, आपने लिक्विड को प्रेशर दिया, तो आप देखोगे सब तरफ एक जैसा ही प्रेशर लगेगा। जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना ही प्रेशर सब तरफ लगेगा, और यही क्या होता है, पास्कल लॉ होता है। अब आप में दिमाग में आएगा कि यार इससे क्या हो जाएगा, फिर क्या हो गया, अगर प्रेशर सेम लगेगा तो हमें क्या लेना है इससे, हमें क्या फायदा मिलेगा? फायदा जबरदस्त मिलेगा। देखिए किस तरह से प्रेशर को समझने के लिए, इसको समझने के लिए आपको ये छोटी सी एग्जांपल समझ आनी चाहिए। आप देखो, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, यहां से पिस्टन जो है नीचे की ओर लगाते हो, तो पानी सब तरफ से सेम प्रेशर से बाहर आता है। तो हमारे पास बात यह आ गई कि प्रेशर यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम मिल रहा है जितना आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो यहां पर। यह एग्जांपल से थोड़ा सा समझ आया कि इस तरह से सब तरफ। और पानी का वैसे भी मेरे भाई, पानी का भी ऐसा, आप मान लीजिए किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में पानी डाल दीजिए, आपने कभी ऐसा देखा कि पानी इस तरफ ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, इस तरफ कम? वो अलग बात है कि आप इसको टिल्ट कर दें, वो ऐसा नहीं कह रहा, सीधा डब्बा पड़ा है, डब्बे के अंदर पानी है, सब तरफ ऐसे लगेगा कि सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा है। और आप भी अगर ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो सब तरफ इक्वली डिवाइड होगा। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इसकी आपको। तो इस सिस्टम में हम देखेंगे कि प्रेशर किस तरह से सेम होगा। मैं यहां पर देखता हूं, मान लीजिए मैं ना सेम पॉइंट पे देखूंगा बेटा, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे देखता हूं यहां पर प्रेशर कितना है, ठीक है, मैं यहां पर प्रेशर देखता हूं कितना है, और इसका भी मैं सेम उसी लेवल पे, क्योंकि हाइट का चक्कर होता है, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसके बारे में। तो यहां पे अगर देखोगे इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर, दोनों प्रेशर सेम है। और अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, यहां से वेट उठाता हूं और यहां डाल देता हूं, ये देखिए दोनों तरफ प्रेशर जो है वो सेम। और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएं, ये देखो, ठीक है, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं, ये देखिए, तो दोनों तरफ प्रेशर जो है वो सेम रह रहा है मेरे बच्चे। तो इसका फायदा हम उठाने वाले हैं, कैसे वो देखिए। तो इसका फायदा हम उठाएंगे भाई साहब, अगर दो सिलेंडर अटैच करें और दोनों अलग अलग एरिया के हों, मतलब आपके पास ये सिलेंडर छोटा है और ये सिलेंडर बड़ा है, लेकिन एक ही पाइप के अंदर कनेक्ट है। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं, मैं एरिया मान लेता हूं कुछ वैल्यू, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। तो एरिया मैं मान के चलता हूं कि ये 10 mm का है, mm स्क्वायर का है, और ये इससे 10 गुना ज्यादा है, ये 100 mm स्क्वायर का है, ये 100 mm स्क्वायर का है। अब यहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं कि मान लीजिए कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला पता बेटा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना है 20 न्यूटन, एरिया कितना है 10 mm स्क्वायर, तो ये कितना बन गया बेटा, काट के ये बन गया 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर लग रहा है, अगर यहां पर प्रेशर 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर लग रहा है, तो सब तरफ 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रेशर लगेगा, क्योंकि आपने इतना ही प्रेशर अप्लाई किया है। तो आपके पास ये जो प्रेशर दिया है आपने, वो क्या होगा, वो सब तरफ सेम होगा, चाहे यहां जहां, यहां 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 कहां, हर जगह पर इतना ही प्रेशर अप्लाई होगा जितना आपने अप्लाई किया है। तो मेरा इक्वली सब डायरेक्शन में, ये अगर मेरे पास ये 2D है, अगर आप देखोगे, अगर 3D में देखो सिलेंड्रिकल होगा तो सब तरफ, गोलाई में है तो सब तरफ हमारे पास 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर का प्रेशर लगेगा। अब उससे कुछ पता लगेगा क्या, यहां है एरिया 100 mm स्क्वायर, प्रेशर है कितना 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सब जगह उतना ही है तो यहां पे भी उतना ही होगा। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर ये 2 है, एरिया हमारे पास 100 है, तो फोर्स कितना होना चाहिए,
आइडिया लगाओ, दो आने के लिए ऊपर क्या लिखूं, ऊपर मेरे पास कोई वैल्यू आएगी कितनी, 200 न्यूटन। इसका क्या फायदा हो गया? आप कहोगे सर इससे क्या होगा 200 न्यूटन, मेरे भाई आप लगा रहे हो 20। आप कितना लगा रहे हो, ध्यान से देखो, सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और 10 गुना आपको फायदा मिल रहा है। आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10 गुना। आप अपने फोर्स से 10 गुना ज्यादा चीज उठा सकते हो। इंसान यही तो चाहता है ना। अबे हम थोड़ा ना बाहुबली, हर कोई बंद बाहुबली थोड़ा ना, हम जैसे आगे हम क्या करें, हमसे काम थोड़ा ना इतनी भारी चीज उठानी पड़ जाए, तो कैसे उठाएंगे, हम हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम पास्कल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। आप यहां पे 10 गुना, मैंने क्या करा क्या है, 10 गुना एरिया बढ़ा दिया, 10 गुना फोर्स बढ़ गया मेरा, क्योंकि प्रेशर सब जगह पर सेम लग रहा है। ओके, आप कहोगे सर ये हो कैसे गया, ये एक्चुअली खेल है सारा हाइट का, डिस्टेंस का। यहां अगर आप देखोगे ना, छोटे में अगर आप ज्यादा डिस्टेंस नीचे की ओर लेके जाओगे, यहां सिर्फ हल्का सा ऊपर उठेगा। इस चीज का नोट करना, ये नहीं है कि ये इक्वली उठ रहा है। आप अगर इतना नीचे लेके जाओगे, ज्यादा लेके जाओगे, ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा। हमें क्या है, हमारा चाहे थोड़ा सा ऊपर उठे, हम इसको ज्यादा दबा लेंगे भाई, इतना ही हो सकता है, हम इसको ज्यादा दबा लेंगे, दबा लो कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप क्या करोगे, आप एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना लोगे, आप बहुत सारी चीजें बना लोगे इसके हेल्प से। अभी दिखा रहा हूं आपको, बात समझ आई, कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स को उठा देना। तो पास्कल लॉ ने हमें यह समझा दिया, इसका फायदा दे दिया। आप क्या कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, छोटे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, छोटी सिलिंज लो, एक बड़ी सिलिंज लो, एक तरफ कम वेट रखना, एक तरफ ज्यादा। आप देखोगे कम वेट भी ज्यादा को उठा रहा है। आप हैरान हो, यार ये कैसे हो गया, ये क्या बैलेंसिंग, ये कैसे हो गया। ये खेल है पास्कल लॉ का। अगर आप देखोगे पास्कल लॉ कहां लग गया, जेसीबी में देखो बेटा, ठीक है, मशीन देखिए, इतने बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं इसके, और इसके अंदर जो है ना बहुत ही छोटे से सिलेंडर, और वो मूव कर रहे हैं उसके अंदर पिस्टन, और वो हमारे पास जो प्रेशर दे रहा है, प्रेशर देने वाले जो पंप है बहुत छोटे हैं। इतना मतलब जान चाहिए भाई साहब यहां पे मिट्टी उखाड़ने के लिए, इतना फोर्स लगाना छोटी मोटी बात नहीं है। यहां पे जो काम कर रहा है वो पास्कल लॉ कर रहा है। अब दिमाग अगर ऐसा चला तो भाई बना दी चीजें, क्या चाहे लिफ्ट बना लो, चाहे जैक बना लो, चाहे ब्रेक बनवा लो, हमने सब पास्कल लॉ की हेल्प से बना लिया। आप छोटे पिस्टन को लगाओ, ठीक है, एक तरफ छोटा पिस्टन, बड़ा पिस्टन लगाओ, का खेल खेलो, जितने खेल खेल सकते खेलो। आप इसी तरह हर जगह पे पिस्टन के खेल खेलो जितने आप खेल सकते हो, इसके हम पास्कल लॉ को समझ सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके मतलब दिमाग में घुस गया होगा। और अगर आपको इधर उधर कहीं देखने को मिल जाए हाइड्रोलिक कोई भी चीज, तो भाई सीधी सी बात बता रहा हूं वो क्या है, वो पास्कल लॉ के बेस पे है। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस एग्जांपल्स के अलावा और कहां आपने हाइड्रोलिक इस पास्कल लॉ का यूज होते हुए देखा है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और लाइक करना तो मुझे पता है आप लाइक कर ही देंगे, ये तो मुझे पक्का पता है। और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। और अगर आप SSC JEE RRB JEE किसी JEE एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।